अगर आप पीएफ के मेंबर हैं, आपने पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट लगाई है, तो आपका ट्रांसफर कंप्लीट होने में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको और किसी वीडियो में कोई नहीं बताएगा। यहाँ पे आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप इस एक मिस्टेक से बच सके, वरना आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यहाँ जो ये वीडियो दिखा रहा हूँ ना, इसमें मेंबर को 60,000 रुपए का नुकसान हो गया है इस एक मिस्टेक की वजह से। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर, मैं हूँ एक पीएफ कंसल्टेंट। यहाँ ये जो छोटा सा यूट्यूब चैनल है, इसमें मैं आपके काम की जो इन्फॉर्मेशन होता है वो देता हूँ। अगर आपको काम अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। हम 2023 के अंदर 1,00,000 सब्सक्राइब पूरे करने चाहते हैं। इसमें 12,000 लोगों की कमी है, तो अगर आप कृपया करके वीडियो देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। अब आप बोलेंगे हम सब्सक्राइब क्यों करें, हमारा क्या फायदा? तो आपका फायदा यह है कि जब ये चैनल ग्रो होगा तो ये वीडियो ज्यादा लोगों को दिखाई जाएंगी। और यहां पे मैं गलती होने से पहले ही बता रहा हूं कि ये गलती मत करो। तो अगर आप चाहते हैं कि और लोगों का पीएफ ना फंसे तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। यहां पे मैं आपको सीधे सीधे पासबुक के ऊपर ले चलता हूं। अगर मैं आपको फ्रेश तरीके से पासबुक खोल के दिखाऊं तो आपको मैं पहले कुछ चीजें समझाना चाहता हूं। देखिए, जब आप ट्रांसफर रिक्वेस्ट लगाते हैं तो उसके 3 स्टेजेस होते हैं। अब आप बोलेंगे 3, ये हमने तो 2 ही सुना था, तो 3 होते हैं एक्चुअल में। पहला होता है कि आपका एम्प्लॉयर, दूसरा होता है पीएफ ऑफिस, और तीसरा होता है पीएफ ऑफिस। अब ये क्या बात हुई भाई, दूसरा हो गया पीएफ ऑफिस पर तीसरा कैसे हो गया? तो हां जी, दूसरा भी पीएफ ऑफिस और तीसरा भी पीएफ ऑफिस। और यहां पे हैं आप छोटे से, यहां आपने रिक्वेस्ट लगाई, पहले रिक्वेस्ट गई एम्प्लॉयर के पास, एम्प्लॉयर ने ओके कर दिया, उसके बाद रिक्वेस्ट गई पीएफ ऑफिस में, पीएफ ऑफिस ने अप्रूव कर दिया। तो पीएफ ऑफिस ने अप्रूव कर दिया फिर तो हो ही गया भाई, फिर क्या रहा? नहीं, पीएफ ऑफिस के अप्रूव करने के बाद भी एक काम रह जाता है, और उस काम को कहा जाता है सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। ये जो सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन वाली चीज है, ये एक बहुत बड़ी पनौती है। ये पनौती मैं क्यों कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपको लगेगा कि आपका ट्रांसफर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आपका ट्रांसफर तब तक कंप्लीट नहीं माना जाता है जब तक यहाँ ये सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन वाली लाइन लिखी है। तो आपको इसके हटने का वेट करना है, तभी जाके आपको अपना पीएफ अप्लाई करना है। तो यहाँ आपको ऐसा लगेगा, भाई साहब इसमें कितने दिन लगते हैं ये हमें जरा बता दीजिए। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे कहा जाता है सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर में बताया जाता है भारत सरकार की मोहर लगा के कि भाई हम कोई काम कितने दिन में कर देते हैं। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि हम आपका जो ट्रांसफर का काम है वो मात्र 7 दिनों के अंदर कर देते हैं, लेकिन ये है सरासर झूठ। 7 दिनों के अंदर नहीं होता है। यहाँ पे ज्यादातर केसेस जो है 10 दिन से 30 दिन का टाइम लगता है। यहाँ पे जो ये लिख रहे हैं ये सरकारी कागज दिखा के झूठ बोल रहे हैं। तो अगर आप कुछ झूठ बोलते हैं तो आपके ऊपर पनिशमेंट होती है, लेकिन अगर सरकारी डिपार्टमेंट कोई झूठ बोलता है तो उसको झूठ नहीं माना जाता है, क्योंकि सजा कौन देगा? सजा देने वाले तो खुद ही हैं। अगर सजा इनके ऊपर हो तो बहुत बड़ी सजा होगी कि आपने अपने डॉक्यूमेंट पे लिखा है 7 दिन, लेकिन कितने केस आप 7 दिन के अंदर कर देते हैं, तो इनके पास कोई जवाब देने को बनेगा नहीं। तो यहाँ पे हम जो कह रहे हैं वो आपके काम की जो बात है वो समझ लीजिए, बाकी इनका कोई कुछ नहीं कर सकता है, इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ट्रांसफर के काम में लिखा है कि 7 दिन और अधिकतम 20 दिन, तो आपको ये मान के चलना है कि आपका जो ट्रांसफर का प्रोसेस है उसमें आप मान लीजिए 10 दिन से 30 दिन का टाइम लग सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 30 दिन से भी आगे बढ़े मामला। ये कैसे होगा ये मैं आपको दिखा देता हूँ पीएफ पासबुक के अंदर। देखो, जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये एक्चुअल केस है, यहाँ पे एक्चुअल में लोग का नुकसान हुआ है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे बैलेंस दिखाई दे रहा है 10,400 रुपये। तो मेंबर क्या था, मेंबर समझदार था, मेंबर ने क्या किया, पुरानी आईडी से नई आईडी में ट्रांसफर कर लिया, और नई आईडी में ट्रांसफर करने के बाद 1910C अप्लाई कर दिया। अब मेंबर कह रहा है भाई मेरे तो पैसे ही नहीं आए, 10,000 तो मेरा पीएफ नहीं आया, और 50,000 मेरा पेंशन नहीं आया। तो मेंबर को नुकसान कितना हो गया, 60,000 रुपए का हो गया। और क्या मिस्टेक है, मिस्टेक सिर्फ एक ही है कि पीएफ ऑफिस वालों ने अपना काम ठीक से नहीं किया, वहां पे सब्जेक्ट वेरिफिकेशन की लाइन लिखी हुई थी। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो ट्रांसफर आया है ये ट्रांसफर के अंदर में किस तारीख में आया है, पहले आप तारीख नोट कीजिए। तारीख है 24/8, आज क्या है, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 24 अक्टूबर है, 24/8 से 24 अक्टूबर, मतलब 60 दिन के अंदर भी इन्होंने ट्रांसफर की एंट्री को कंप्लीट नहीं किया। और कहने के लिए कहते हैं कि हम 7 डेज में कर देते हैं, कहाँ 7 दिन और कहाँ 60 डेज, इतना ज़्यादा इनका अंतर होता है काम करने के अंदर। तो यहाँ जब आप देख रहे हैं सब्जेक्ट वेरिफिकेशन है, इसका मतलब ये होता है कि आपकी पुरानी आईडी अभी जो फाइनल सेटलमेंट किया जाएगा, या फिर मान लो कि आप एडवांस निकाल रहे हो, मान लो ये पैसे आपको दिख गए, अब आप सोचते हो भाई पैसे तो आ गए, चलो हम ट्रांसफर करते हैं, ये हम पैसे
पैसा निकालेंगे तो पैसा नहीं निकलेगा आपका जब तक ये सब्जेक्टिव वेरिफिकेशन लिखा हुआ है ना, तो आप फॉर्म 31 आपका पैसा निकाल पाओगे और 1910 से भर दिया तब तो भूल ही जाओ, फिर तो आपका पीएफ ये जो पुराना पीएफ है ना वो तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो वो नुकसान होने से बचने के लिए क्या करना है, मैं आपको ये तो आपने देख लिया ना 10,400, अब मैं आपको एक और मुश्किल काम दिखाता हूँ जो आपका और बड़ा नुकसान हो जाएगा। यहाँ आपको पुरानी आईडी में ले चल रहा हूँ, पुरानी आईडी में आप देखोगे तो यहाँ पे ना केवल हमारा पीएफ है बल्कि हमारा पेंशन भी है। यहाँ 57(1) देख रहे हो ना, तो 57(1) जो है ना वो ट्रांसफर की एंट्री होती है। यहाँ पे ट्रांसफर में पीएफ का इतना अमाउंट है और 51,000 पेंशन है, तो लगभग यहाँ पे समझ लो कि 61,000 रुपये का नुकसान हो गया। तो अगर आपने ट्रांसफर रिक्वेस्ट लगाई है तो कृपया करके इस चीज़ को समझ लीजिए कि सब्जेक्ट वेरिफिकेशन हटना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। अगर आप सब्जेक्ट वेरिफिकेशन के रहते रहते आप अपना एडवांस निकालोगे या फिर फाइनल सेटलमेंट निकालोगे तो आपको पुरानी आईडी वाले जो पैसे हैं वो नहीं मिलेंगे। साथ में ही आपको ये समझ लेना है कि अगर सब्जेक्ट वेरिफिकेशन हटाना है तो नॉर्मल अगर आप 30 दिन तक का वेट कीजिए, 10 दिन से 30 दिन तक का वेट कीजिए, अगर इस टाइम के अंदर भी नहीं होता है तो आप पीएफ ग्रीवाइंस लगाइए। ग्रीवाइंस आपको हो सकता है एक बार लगाना पड़े, हो सकता है दो बार लगाना पड़े, हो सकता है तीन बार लगाना पड़े। अगर आपके नियर बाय पीएफ ऑफिस हो तो आप नियर बाय पीएफ ऑफिस जा सकते हैं। मेरा अपना अनुभव बता रहा हूँ कि मैंने जब शुरुआत में फॉर्म भरना शुरू किया था तो मेरे को ये सब्जेक्ट वेरिफिकेशन पता नहीं था। तो एक्चुअल में मैंने भी ये गलती करी है कि मेरा सब्जेक्ट वेरिफिकेशन था, मैंने एडवांस अप्लाई किया, एडवांस अप्लाई करने के बाद मेरे को पैसे नहीं मिले, तो फिर मैं पीएफ ऑफिस गया, मैंने कहा भाई मेरे को पैसे क्यों नहीं मिले, तो फिर उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास एंट्री नहीं आई है। मैंने कहा भाई एंट्री कैसे आएगी, तो एंट्री आने के लिए उन्होंने कहा हम कर देंगे खुद से, आप जाओ ये टाइम से हो जाएगा। तब जाके उन्होंने तो मेरे को अच्छे से नहीं बताया था, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। तो अगर आपको मेरा चैनल और मेरा काम पसंद आए तो कृपया करके सपोर्ट कीजिए ताकि हम 1,00,000 सब्सक्राइबर पूरे कर सकें और यहाँ जो छोटा सा चैनल है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। आप यकीन मानिए कि इस एक गलती की वजह से लाखों लोग परेशान हैं, लेकिन मेरी ये वीडियो लाखों लोगों तक तभी पहुंचेगी जब मेरा चैनल ग्रो करेगा। इसके साथ में अगर आपका और कोई भी डाउट हो प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट में जितनी वीडियोस हैं सब एक्चुअल केसेस हैं। मैं अपने मन से कोई कहानी नहीं बताता, मैं कोई बैकग्राउंड लगा के आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, मैं एक्चुअल में दिखा रहा हूँ। ये एक अकेला चैनल है जहाँ आपको एक्चुअल केसेस अंदर खोल के दिखा के समझाया जा रहा है कि आप ये गलती मत करो, गलती मत करो। तो आप अगर इस चैनल को सपोर्ट करते हैं तो ये बाकी लोगों तक पहुंचेगा। तो कृपया करके इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली जानकारी वाली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।